नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज यहाँ पे हम क्लास टेंथ के जो साइंस का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इससे पहले वाला जो पोर्शन था उसके अंदर हमने यहाँ पे साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है, चैप्टर वाइज जो मार्किंग है उसके हमने कम्प्लीट बात कर ली थी। आज हम यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है फर्स्ट नंबर लेसन। तो फर्स्ट नंबर लेसन के अंदर ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर पहले हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि सर ये जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को देखो समझते हैं यहाँ पे पहले, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है यहाँ पे कि भी कोई भी हमारे सामने यहाँ पे न्यू सब्सटेंस होता है, ये मान लो एक्स हमारे सामने कोई भी न्यू सब्सटेंस है, ये क्या करता है यहाँ पे कि हमारे सामने आपके एक वाई सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स सब्सटेंस वाई के साथ में आपके यहाँ पे जेड सब्सटेंस भी बना ले यहाँ पे, तो ये हमारे सामने केमिकल रिएक्शन होती है। अब इस एक्स सब्सटेंस से आपके एक्स वाई और जो जेड सब्सटेंस बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे कुछ नई प्रॉपर्टीज आ सकती है या कुछ इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो वो हमारे सामने केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो पार्ट्स हमारे सामने यहाँ पे सबस्टेंस हमने काम में लेते हैं, ठीक है, तो हमने ये जो सबस्टेंस है इधर वाला सबस्टेंस तो हमने इसको काम में लिया, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको हम इधर वाला जो पोर्शन होगा जिसको हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर काम में लेंगे तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला जो पोर्शन जो आपके यहाँ पे ये सबस्टेंस रिएक्शन करके यहाँ पे आपके वाई और जेड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं इसको? प्रोडक्ट्स। तो हमारे सामने देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हमारे सामने एक्स सबस्टेंस है ये आपके वाई और जेड के अंदर कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, तो हमारे सामने यहाँ पे एक्स सबस्टेंस, ये तो हमारे सामने केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो एक्स सबस्टेंस है जो आपके इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो पार्ट यहाँ पे काम में आ रहा है सबसे पहले, तो ये तो हमारे सामने होता है यहाँ पे रिएक्टेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के बाद में जो भी सबस्टेंस हमारे सामने बनता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो हमारे सामने फर्स्ट नंबर जो हमें डेफिनेशन ध्यान में रखनी है वो केमिकल रिएक्शन की, उसके बाद में सेकेंड नंबर डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पे रिएक्टेंट्स, और थर्ड नंबर डेफिनेशन हो जाती है प्रोडक्ट्स की। तो आप इस रिएक्शन को देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्क्रीन की स्लाइड में, यहाँ पे आपकी जो भी पीडीएफ वगैरह जो नोट्स वगैरह होंगे वो साथ में यहाँ पे एड किए हुए, जिसके कारण आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीजें कि द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो रिएक्टेंट्स होगा हमारे सामने, और इसके अलावा एक क्या होगा हमारे सामने? प्रोडक्ट्स होगा। अब रिएक्टेंट्स क्या करेगा कि जो आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा या फिर सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन वो तो आपके रिएक्टेंट्स, और इसके अलावा जो बनेगा इसके अंदर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फॉर्म्ड होगा यहाँ पे नया, वो आपके क्या कहलाएंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से। तो नॉर्मली आपके डेली लाइफ के अंदर यहाँ पे जो एग्जांपल्स होते हैं उसके अंदर आपके डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होता है वो एक प्रकार की यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे रेस्पायरेशन वो भी केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी आपकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आयरन से अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर खुला रखा जाता है आयरन को तो वो आपके ऑक्सीजन और इसके अलावा जो भी ह्यूमिडिटी होती है एनवायरमेंटल के अंदर तो उनके साथ रिएक्ट करके उस आयरन के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है ऑक्साइड की, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपकी किसका एग्जांपल है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन का। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो ये भी हमारे सामने केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक नाइन्थ क्लास के अंदर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे नाइन्थ क्लास की बेसिक बता देता हूँ साथ में, कि आपने यहाँ पे चेंजेस पढ़े होंगे यहाँ पे, कि चेंजेस भी कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे? दो प्रकार के, एक तो फिजिकल चेंज और एक कौन सा होता है यहाँ पे? केमिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है
कि केमिकल चेंज के अंदर यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हमारे सामने जो फिजिकल चेंज है इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल स्टेट है वो ही चेंज होती है, बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होती है। ठीक है, तो वैसे में हम यहाँ पे फिजिकल चेंज के अंदर जो भी हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा उससे मेन प्रोडक्ट वापिस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने x है, ये y के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो y से हम वापस x बना सकते हैं, तो ये हमारे सामने कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे सामने जो वाटर है उसको हमने यहाँ पे आइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो आइस से वापस हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे वाटर, तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर आपने देखा होगा कि मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड से वापस मिल्क थोड़ी बना सकते, नहीं बना सकते ना, एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने तैयार हो गया। इसकी आपकी फिजिकल केमिकल स्टेट भी क्या हो गई, यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी चेंज हो गई यहाँ पे। तो ये हमारे सामने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, थोड़ा एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी हमारे सामने केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे सामने क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर आपकी एक तो स्टेट चेंज हो सकती है, कोई भी मैटर से या फिर जो भी सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स है उनकी आपकी स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड से सॉलिड और या फिर आपकी लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एक कलर का भी चेंज होता है यहाँ पे, जैसे कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर आप देखोगे तो आयरन के अंदर जैसे आपके रस्ट मतलब जंग वगैरह लगते हैं तो उसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है, तो ये कलर का भी चेंज होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और एक टेम्परेचर है, ये आपके हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। जैसे कि वाटर से हम यहाँ पे आइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर लो हो जाता है आइस का, ठीक है, हाई नहीं होता है, ध्यान में रखना, लो हो जाता है यहाँ पे। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये भी हमारे सामने क्या होता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे कि जो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल जो रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो भी जिंक है इस जिंक को हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये मैंने जो लैंग्वेज बोली मैंने इसको आपको इस लैंग्वेज के टाइप में मैंने लिख दिया। और हमारे सामने बनता है यहाँ पे जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? प्लस हाइड्रोजन। या फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया, ठीक है, क्या क्या इसको बर्न किया, तो बर्न करने पर हमारे सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने ये जो लैंग्वेज बोली उस लैंग्वेज को इसी टाइप में लिख दिया, तो ये हमारे सामने होगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस चीज की बात करें तो ये भी हमारे सामने क्या है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ये हमारे सामने ये भी क्या है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन। तो सर हम इसकी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो जिंक है या सल्फ्यूरिक एसिड है, हमें इसके जो आपके सिंबल्स है इनके जो फॉर्मूले हैं उनके साइड में या फिर उनकी डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना। जैसे कि जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे सामने Zn, तो हमने Zn लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे H2SO4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर एरो का निशान है, और सर एरो का निशान है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, और हाइड्रोजन है साथ में तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, ये H2 बना दिया। तो ये हमारे सामने क्या हो गई? अब ये जो मैंने लिखा है ये आपके केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसके अलावा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये तो हमारे सामने केमिकल रिएक्शन है। अगर हमें इसकी यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की बात करें कि जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, तो केमिकल इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या है कि हमारे सामने जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स है उनके हमें यहाँ पे सिंबल्स और या फिर जो फॉर्मूला है वो लिखने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास में सिंबल होता है वो होता है Mg। बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें यहाँ पे लिखना O2।
बनता क्या हमारे सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने इस प्रकार से क्या तैयार हो गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से दो चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड चीज, सेकेंड चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। थर्ड नंबर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे, तो ध्यान में रखना रिएक्टेंट्स आपके आफ्टर केमिकल रिएक्शन चेंज इन प्रोडक्ट्स, या फिर जो नया आपके फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे कोई भी चीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इधर वाली ये जो साइड होगी ये कौन सी हो जाएगी, LHS लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, RHS हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में तो क्या लिखे जाते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में क्या लिखे जाते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट। तो ये आपको दोनों चीजें यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होता है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या, अब हमें देखो चैप्टर वाइज चैप्टर जो पढ़ेंगे वो स्टेप वाइज पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं इस चैप्टर की जो भी समरी है वो आपको बता देता हूँ। देखो ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, ठीक है, और इसके अलावा केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमें यहाँ पे बैलेंस कैसे करना है, केमिकल इक्वेशन है इसको हमें बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना ये हमें पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक। जैसे हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो भी मेथड है वो पढ़ेंगे, ये जिसकी यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड है उसकी हम बात करेंगे। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो